हेलो स्टूडेंट्स होप यू ऑल आर वेल एंड इन अ गुड हेल्थ टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू द पोएम ऑफ योर गुलमोहर बुक एंड द नेम ऑफ द पोएम इज स्प्रिंग बाय करला कस्किन हियर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्प्रिंग स्प्रिंग मीन्स होता है ऋतु का नाम है ओके जो हम सीजन की बात करते हैं सीजन इन द सेंस ओके जो सीजन होते हैं उसमें वन ऑफ द सीजन जिसका नाम है स्प्रिंग और हिंदी में हम कह सकते हैं वसंत ऋतु ओके तो यहाँ पे पोएट ने क्या बताया द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज स्प्रिंग उन्होंने सिर्फ स्प्रिंग यानी कि जो वसंत ऋतु है उस पर फोकस किया है इज वेलकमिंग स्प्रिंग जो पोएट है वो किस तरह से स्प्रिंग यानी कि जो वसंत ऋतु है उसका स्वागत कर रही है वो उन्होंने इसमें डिस्क्राइब्स किया है बाय मेनी साइंस मतलब बहुत अलग अलग तरीकों से उन्होंने हमें इस पोयम में बताया है सो लेट्स बिगिन द पोयम पोयम थ्री स्प्रिंग बाय करला करलास्किन आई एम शाउटिंग वह कह रही हैं मैं चिल्ला रही हूँ आई एम सिंगिंग मैं गा रही हूँ आई एम स्विंगिंग थ्रू ट्रीज मैं झूल झूल रही हूँ कहा पेड़ों के माध्यम से आई एम विंगिंग हाई स्काई में आकाश में ऊंची उड़ान भर रही हूँ मतलब फ्लाई करना ओके आ, बहुत ऊंचा जिसे उड़ते हैं उसे बोलते हैं विंगिंग हाई इन द स्काई विद द बजिंग ब्लैक बीज किसके साथ जो मधुमक्खियां गूंज रही हैं, उनके साथ मैं ऊपर हवा में उड़ाने भर रही हूं आई एम द सन मैं ही सूर्य हूँ मैं चंद्रमा हूँ वो खुद को कंपेयर कर रही हैं, ओके आई एम द ड्यू ऑन द रोज ड्यू मीन्स होता है ओस की बूंद ठीक है जो ड्रॉप्स होती है उसे हम बोलते हैं ड्यू वे कह रही हैं, मैं गुलाब के फूलों के पर ओस की बूंद की तरह हूँ आई एम अ रेबिट मैं खरगोश की तरह हूँ हुज हैबिट जिसकी आदत कैसी होती है इज ट्विचिंग हिज नोज ट्विचिंग मीन्स होता है फड़फड़ाना या फुलाना ओके तो वो कह रही है कि मैं एक खरगोश की तरह हूँ जो अपनी नाक फुलाता है या फड़फड़ाता है आई एम लीवली मैं जी रही हूँ वो इतनी खुश हैं वो बोल रही हैं कि मैं हर एक मोमेंट को इन्जॉय कर रही हूँ आई एम लवली मैं बहुत सुंदर हूँ आई एम किकिंग माई हिल्स किकिंग माई हिल्स यर स्टूडेंट्स न्यू स्टेटमेंट विच मीन्स होता है डूइंग थिंग्स दैट आई एंजॉय कुछ ऐसे काम करना जिससे हम खुश होते हैं उसे हम बोलते हैं किकिंग माय माई हिल्स तो वे कह रही हैं मैं वे सारे काम कर रही हूँ जिससे कि मैं खुश हो रही हूँ आई एम क्राइंग कम डांस वे खुद से कह रही हैं और सबसे कह रही हैं आओ मेरे साथ नाचो किन सबसे टू द फ्रेश वाटर इल्स यानी कि जो पानी के अंदर जो वेव्स के अंदर सम काइंड ऑफ इल्स न्यूवर्स इंड ऑफ फिश इन लुकिंग लाइक अ स्नैक ओके जो सांप जैसे और कुछ मछली के जैसे दिखते हैं उसे हम ईर्स कहते हैं मतलब कि जो आधे सांप जैसा फिगर होता है आधा मछली जैसा होता है उसे हम बोलते हैं इन हिंदी वी कैन ऑल्सो कॉल दैट सर्प मीन तो वो कह रहे हैं मैं सर्प मीन के साथ पानी में खेल रही हूँ और उछल उछल कर कूद रही हूँ आई एम रेसिंग थ्रो मीडोस मैं घास में मैदान में दौड़ लगा रही हूँ विदाउट एनी कॉर्ट बिना कुछ अपने पैरों में पहने मतलब कि जब हम घास पर चलते हैं हमें भी अच्छा लगता है तो वह कह रही है कि मैं भी बिना कुछ नंगे पैरों से अपने घासों में मैदानों में दौड़ रही हूँ आई एम गैम्बोलिंग लैम्ब गैम्बोलिंग इज अनादर न्यू वर्ड्स विच मीन्स होता है रनिंग और जंपिंग ओके हम दौड़ना या कूदना उसे हम बोलते हैं गैम्बोलिंग तो वह कह रही है मैं लैम्ब की तरह लैम्ब मीन्स होता है जो बकरी और शिप होते हैं उनके जो बच्चे होते हैं उसे हम कहते हैं लैम ठीक है मेमने की तरह तो वे कह रही है शिप के बच्चे की तरह मेमने की तरह मैं क्या कर रही हूँ इधर उधर कूद रही हूँ और गोते लगा रही हूँ आई एम लाइट लिपिंग गोड मैं एक बकरी की तरह उछल कूद कर रही हूँ आई एम अ बर्ड मैं एक कली हूँ आई एम अ ब्लूम मैं उसे उसकी तरह खिल रही हूँ आई एम डन सॉरी आई एम अ डॉग ऑन विंग मैं एक कबूतर हूँ और उसके जैसे पंख पसारे हुए हूँ आई एम रनिंग ऑन ट्रूफ टॉप्स और मैं आसमान में ऊपर छत की ऊपरी ओर से दौड़ रही हूँ यानी कि घूम रही हूँ मतलब जिस तरह से डव यानी कि जो कबूतर होता है वो घूमता है आसमान में आकाश में ऊंची उड़ान भरता है वैसे वो अपने आप को कंपेयर कर रही है एंड वेलकमिंग स्प्रिंग और मैं यह सब करके वसंत ऋतु का स्वागत कर रही हूं सो हियर इज द एंड ऑफ द पोयम स्टूडेंट्स होप यू अंडरस्टैंड द पोयम वेरी वेल टिल माई नेक्स्ट वीडियो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ थैंक यू थैंक्स फॉर वॉचिंग